रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मो चौधरी और आप देख रहे हैं HCN न्यूज़। हर बार की तरह हम एक ऐसी शख्सियत से आपसे रूबरू कराते हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, जिसको लेकर आप चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने आपसे मिताली ठाकुर से रूबरू कराया था, और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो अभी मैंने लाइनें कही हैं उस पर बिल्कुल खरी उतरती है। उसी के साथ आज हम आपको रूबरू कराते हैं नेक्स्ट विजन के फाउंडर मिस्टर भारत सदाना, और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर राजेंद्र परड़ा। मैं आपको इनके बारे के, इनका जो मकसद है, इनका जो नेक्स्ट विजन है, इनका जो नाम है, उसको आपसे डिस्क्राइब करूं। उससे पहले मैं चाहूँगा कि खुद सर उसके बारे में आपको वो चीज़ें बताएं जिसके वजह से आप लोग खुद चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी आपको बता दूं, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं कि कुछ इनके साथ जो काम कर रहे हैं, कई एरियाज़ में एक्टिव हैं इन नेक्स्ट विजन को लेकर, आप लोग हमेशा ट्वीट करते रहते हैं, फेसबुक पर अपने कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो सर आप लोग करते क्या हैं जिसको लेकर ये चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर? आपका खुद का मकसद क्या है, नेक्स्ट विजन का क्या मकसद है? नेक्स्ट विजन का मकसद है चेंज लाना, चेंज लोगों की सोच में, लोगों के काम करने के तरीके में, चाहे वो एक ग्राउंड लेवल पर हो या ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने वाला कोई सोशल वर्कर या कोई पॉलिटिकल एस्पिरेंट हो जी। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर पॉलिटिक्स में कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ने का उसका मुद्दा ट्रेडिशनल ना हो, जो आज तक चलता आ रहा है कि मैं ये वादे करूंगा, ये करूंगा, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, उसकी जगह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उन्हें गाइड करते हैं कि ये मुद्दे हैं जो हमें वहाँ के लोगों ने बताए हैं, क्योंकि वो हम पर ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, वो क्यों हम पर ट्रस्ट करते हैं? हम उनके पास बार बार जाते हैं, जबकि मार्केट रिसर्च, वी आर अ मार्केट रिसर्च कंपनी, और मार्केट रिसर्च कंपनी का ये कहा जाता है कि आपने एक बार सर्वे कर लिया तो अगले 3 महीने वो टर्मिनेट है, आप उनसे कोई सर्वे मत पूछिए। जबकि हम ये कहते हैं कि एक इंसान हमें 8 तरह के डेटा दे सकते हैं, वो वोटर भी है, वो कंज्यूमर भी है, बायर भी है, इन्फ्लुएंसर भी है, रीडर भी है, व्यूअर भी है, तो वो टीवी भी देख रहा है। आज अगर हम बात कर रहे हैं, एक वोटर है जी, वोटर को इन्फ्लुएंस करने की मल्टीपल लेवल पर कोशिश की जाती है, लेकिन वो कोशिश 5 साल में ही क्यों की जाती है, 5 साल बाद ही क्यों की जाती है, वो मुद्दे आते ही क्यों हैं कि उन्हें हर 5 साल में ही याद करना पड़े, उन्हें क्यों नहीं 5 महीने में उन्हें जाके जो वादा किया है वो पूरा करें? लेकिन दिक्कत यहाँ आती है कि वो वादे तो कर दिए हैं, वो वादे पूरे करने का मन नहीं है, या क्या है ये अब तक हम नहीं जान पाए हैं जी। बिल्कुल, कई बार इस तरह की जो तस्वीरें आपके खुद महसूस करते हैं कि जो आपके इलाके के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, जब चुनाव आते हैं वो आपसे वादे करते हैं, और जब उन काम को पूरा करने का जब नंबर आता है तो बहुत या तो लेट हो जाता है या फिर वही मुद्दे एक बार फिर से दूसरे चुनाव में उठाए जाते हैं। सर ने जिस तरह से बताया, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ राजेंद्र जी भी हैं, उनको मैं आपसे शामिल करूंगा। राजेंद्र जी, किस तरह से आप इस काम को करते हैं, कैसे वहाँ के जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं उनको कैसे समझाते हैं, और उन चीज़ों को कैसे लोगों की समस्याएं, क्योंकि आप जब हम आमतौर पर जब लोगों को पूछने जाएं कि भाई आपको समस्या क्या है, तो देखता है कि भाई इसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है जो मुझसे मेरी समस्या ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उड़ीसा में हमारा चल रहा है, उड़ीसा स्टेट है इंडिया में, तो उड़ीसा से हमने स्टार्ट किया, वहाँ से हमें पता क्या कैसे पता चला, हमने ग्राउंड लेवल में कुछ हमारा रिप्रेजेंटेटिव जो हमारा इन्वेस्टिगेटर हमने लगा रखे हैं, वो विलेज टू विलेज मूव करते हैं, मूव करके वहाँ पे लोगों को जो विलेजर्स होते हैं उनको पूछते हैं, कुछ राय लेते हैं, या कुछ प्रोडक्ट्स होता है जैसे कोई FMCG प्रोडक्ट है कोई, उनके घर में जाने के लिए पूछ देते हैं, और उनसे कुछ उनका मोबाइल नंबर और उसका नाम पूछ के आते हैं। ये जो नंबर डाटाबेस आता है वहीं से हमारा लैपटॉप में या मोबाइल फोन पे स्टोर हो जाता है। हमारे ऑफिस में बैकग्राउंड में जो बंदे बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं, वो उनको फ़ोन करते हैं कि आपके विलेज में क्या क्या इशू है जी, उसी इशू पे हम क्या करते हैं, उसी पैरामीटर पे वहाँ के जो सोशल वर्कर है उनको हम अवगत कराते हैं कि सर आपके एरिया में ये इशू है, हम उस इशू को कुछ हद तक सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्या आप हमें मदद करेंगे जी। वहीं से जो सोशल वर्कर है, कुछ सोशल वर्कर आगे बढ़ के हमारा हाथ मिलाते हैं, तो फिर हम जाते हैं उस गांव में, तो उस गांव में जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, जो बुजुर्ग टाइप के लोग होते हैं, जो क्या बोलते हैं कि गार्डियन जो बोलते हैं उस गांव का, जो मुख्यतः लोग होते हैं 10-15 लोग, उनसे हम पूछते हैं, वो बोलते हैं कि हम कुछ गाँव में बताया गया है कि हमारे गाँव में जब अंधेरा हो जाता है सांप काटने से लोग मर जाते हैं, तो क्या सर आप हमारे लिए आप हमारे गाँव में स्ट्रीट लाइट लगा सकते हैं? तो हमने फिर उन लोगों को बुलाया जो गांव के जो गार्डियन टाइप के लोग, उनसे फिर हमने एक लेटर लिखा, मगर आप ऐसा काम कीजिए
आपको अगर ये दिक्कत है, आप हमारा जो ऑफिस नेक्स्ट वीक जाने जो काम कराता है, हमारे सीईओ के नाम पे एक लेटर इशू कर दीजिए कि सर आप हमारे एरिया में ये इशू होता है, आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। फिर वहाँ पे हम सोशल वर्कर को, वहाँ के जो सोशल वर्कर है, फिर हम और हमारे साथ जो भी ब्रांड जुड़े हुए हैं, हम तीनों मिलके फिर वहाँ पे कुछ काम करते हैं ताकि लोगों को समाधान मिले। ये चीज सोशल मीडिया पर भी मैंने देखी है कि लोग वहाँ के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। ये नहीं कि वो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, बल्कि इस चीज़ के बारे में जब वो सुनते हैं कि गांव में लाइट नहीं होती है शाम के टाइम, और सांप की जो दिक्कत सर ने बताया कि सांप काट लेते हैं, और इसका जो रेट है डेथ सांप के काटने से वो उस इलाके में ज़्यादा है। तो सर किस तरह से आपको इस परेशानी के बारे में पता चला, और किस तरह से फिर आपने स्ट्रीट लाइट को आगे की जो प्रक्रिया आपने फॉलो की वो क्या? प्रक्रिया का अगर हम बताएं, जैसे हमने स्टार्ट ऐसे किया, हमें एक मकसद के साथ जाना था कि हमें लोगों का विश्वास जीतना था जी। कि हम आपकी भलाई के लिए ही आए हैं, इस भलाई में हमारा भी है कि हम भी अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट सीजन अपना नाम बढ़ाएगा तभी वो इस लायक बन पाएगा कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके जी। हमने कुछ कंपनी से टाइप किया जी, कुछ FMCG ब्रांड कंपनी से टाइप किया, और उन्हें रिक्वेस्ट की आप हमें अपना प्रोडक्ट दीजिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, हम वो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर जाएंगे और आपको उसका फीडबैक बताएंगे कि क्या रहा। अब वो प्रोडक्ट हमने दिया गांव में विलेजर्स को दिया कि आप इसे यूज़ कीजिए, हम आपको इसका फीडबैक जानने के लिए आपसे बात करेंगे दोबारा, और आपके पास ऐसे प्रोडक्ट आते रहेंगे, हम आपके पास आते रहेंगे, ठीक है। हमने जब उनसे फ़ोन किया तो हमने पहले प्रोडक्ट के बारे में पूछा, फीडबैक लिया प्रोडक्ट के बारे में कि कैसा लगा क्या लगा। अब एक ट्रस्ट बन गया, अगर आपके पास कोई एक अननोन कॉल आए तो आप उससे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हाँ आपको वो मसाला देके गए थे नेक्स्ट सीजन से, आपको वो कैसा लगा, तो ऑब्वियसली आप हाँ या ना या कुछ तो बताएंगे, कुछ तो जवाब देंगे बिल्कुल। उस जवाब के साथ ही हम पूछते हैं कि अच्छा आप ये बताइए कि आपके विलेज में किस तरह के इश्यूज हैं जी। जैसे हमारे पास मल्टीपल इश्यूज निकल कर आए, जहाँ पर लेकिन ये इशू निकल के आया कि हाँ लोग मर रहे हैं, 5 बजे के बाद इतना घना अंधेरा हो जाता है, तो हमने जाके रेकी की उस एरिया में और देखा, ये पाया कि हाँ वहाँ 5 बजे के बाद निकलना दूभर है, समस्या तो समस्या है ये, और बड़ी समस्या, गहन समस्या, जहाँ पर मर रहे हैं लोग अगर अननेसेसरी रीज़न से, तो वो इम्पोर्टेंट था हमें लगा। तो हमने इनिशिएट किया कि हमने पहले वहाँ पर लाइटें लगवाई जी, और फिर वहाँ के सोशल कार्यकर्ता जो पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बताया कि आपके लिए ये मुद्दे होने चाहिए इलेक्शन के, राधा धन कि आप एक बोर्ड लगा दीजिए कि आज जन्मदिन की बधाई या इस तरह की बधाई, इससे मुझे नहीं लगता कि आपका कोई ट्रस्ट आप जीत पाएंगे या आपका कोई मोटिव पूरा हो पाएगा जी। तो हमने सबसे पहला तो यही किया कि वहाँ लाइटें लगा के सबसे पहला काम उनकी प्रॉब्लम एक सॉल्व कर दी, उन्हें और ट्रस्ट हुआ हम पर। तो हमने एक ग्राम सभा की और वहाँ प्रमोट किया कि ये हैं यहाँ के कर्ता धर्ता, इन्होंने हमें नेक्स्ट विजन को सपोर्ट किया है और हम इस वजह से ये कर पाए हैं काम जी। और आसपास के और 4 गांवों तक ये बात पहुँची, तो वहाँ से भी निकल के आया कि हाँ प्लीज़ हमारी भी हेल्प कीजिए। तो एक विश्वास जो बन रहा है दिन बर दिन, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है जी, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ये चीज़ सोशल मीडिया पर पूरी तरह से साफ दिखाई दे रही है। तो सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि जब आपके जो लोग हैं वो कॉल करते हैं कि मसाला कैसा था, इसके साथ में आप जब पूछते हैं कि वहाँ के इलाके में आपके में क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानियाँ, तो लोग ये बोलते नहीं कि भाई आपको मसाले से या किसी दूसरे प्रोडक्ट से रोड का या लाइट का क्या लेना देना क्या आपका? बिल्कुल पूछते हैं लोग, पूछते हैं तो, लेकिन उसका जो जवाब रहता है, जैसे किसी के रेस्पोंडेंट को फ़ोन किया जाता है कि आपको घर पे जो मसाला गया जी, उस मसाला आपको कैसा लगा, उसको फीडबैक लेते हैं जी। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि आपके एरिया में जो सोशल वर्कर जो काम करते हैं, जो पॉलिटिशियन है या जो MLA MP जो भी आते हैं जी, जो भी पॉलिटिशियन है, उनके जो काम है आप कैसा लग रहा है, तो फिर वो पूछते हैं कि आप ये मसाला के साथ तो उसके साथ क्यों आप जोड़ रहे हो, ठीक है जी। तो हम वहाँ पर यही बताते हैं कि आपके एरिया में जो इश्यू है, जो हम आपको मसाला दे रहे हैं, जो राइट अभी जो इशू चल रहा है आपके गांव के, जो इशू है आपका, जो नियरेस्ट में जो इशू है जी, वो इशू को जब हमें पता नहीं चलेगा तो आपके एरिया पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे MLA हो, चाहे आपका सरपंच हो, कोई भी हो, तो अगर हम उनके पास तक पहुँचाएंगे कैसे जी? तो उनके पास आपके आपके बाद जो उनके पास पहुँचाने के लिए हम ये चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, और जबकि आप हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव आप जान चुके हैं, आपके पास तो रिपीटेड जाता है जी, आप अगर सही चीज़ बताएंगे हम सही चीज़ उसको प्रोजेक्ट करेंगे जी। अगर आप गलत बताएंगे तो हो सकता है कि हमारा प्रोजेक्शन गलत हो जाए, तो आगे जाकर वो सही चीज़ बताते हैं कि हमारे ये इशू है, हमारे यहाँ पे तालाब खराब है, स्कूल में बैग प्लेग्राउंड नहीं है, स्कूल में चेयर नहीं है। फिर हम पॉलिटिकल बंदे को बताते हैं, ये जो सरपंच है उनको बताते हैं, जो भी सपोर्ट हो सकता है कि दोनों तरफ से मिलकर फिर आप जी बिल्कुल पूरी कोशिश करते हैं। तो सर एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, वो ये कि ये जो आइडिया आपके दिमाग में आया,
वो कैसे आए कि भाई इस चीज़ को हम प्रमोट भी कर सकते हैं, इसके साथ ही हम जो वहाँ की जो सोसाइटी है उसकी मदद भी कर सकते हैं, और बल्कि लोग इससे जुड़ने लगे हैं, कनेक्टिंग अपने आप कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, आपकी मसाले हुआ कॉल करते हैं, वो आपको कॉल कर रहे हैं कि भाई यहाँ शौचालय की समस्या है, प्लेग्राउंड की समस्या जैसे सर ने बताया, लाइट की। तो कैसे ये आइडिया कैसे आया? हम एक मार्केट रिसर्च कंपनी है, जैसे कि मैं पहले भी आपको जी बिल्कुल, हम 15 साल से इस ग्राउंड में काम कर रहे हैं रिसर्च में, और रिसर्च का काम ही है कि लोगों की ओपिनियन लेना, उनके ओपिनियन लेकर उसको एनालाइज करना और कॉर्पोरेट्स के लिए काम करना। लेकिन अभी तक हम देखते आए हैं तो उसमें पिछले 10 साल में कोई ट्रेंड में चेंज नहीं आया है मार्केट रेट में, वो वैसे ही चल रहा है, ग्राउंड से रिपोर्ट आती है, उस पर एनालाइज किया जाता है और कॉर्पोरेट ब्रांड्स को दे दिया जाता है। हमने स्टार्ट किया कि हम रूरल इंडिया से स्टार्ट करेंगे, जिसका डेटा किसी के पास नहीं होता और रूरल की सुनी भी नहीं जाती है। बिल्कुल, हमने स्टार्ट वहाँ से करने की सोची क्योंकि हमें कुछ डिफरेंट करना था। अगर हम भी वही ट्रेडिशनल मार्केट रिसर्च में करते तो हम भी वही बन के रह जाते। हम ये चाहते थे कि हम कुछ डिफरेंट करें। विज़न, एक ही विज़न हम लेके चल रहे हैं कि हम 100,000 लोगों का पैनल बनाएं जी, एक स्टेट से सस्टेन पैनल, जो हमसे रोज़ अपनी दिन भर की दिनचर्या शेयर करें और उसे रेप्लिकेट कर दें ऑल इंडिया। अगर इमेजिन 20 स्टेट से आपके पास 2 मिलियन लोग, 20,00,000 लोग अगर आपसे जुड़े हुए हैं तो आपसे बड़ा कोई हो नहीं सकता, पहली चीज। प्लस आपके पास रूरल से जो डेटा आ रहा है, जहाँ से, अब अगर मैं यहाँ अर्बन में कहूँ वो भी वोटर है, रूरल में कहूँ वो भी वोटर है, लेकिन उन दोनों को जो सुविधाएं दी जाती है उसमें जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल, जमीन एक तरफ आपको दिख रहा है अर्बन में 24 घंटे लाइट है, जहाँ नहीं है जरूरत वहाँ भी लाइट है, बहुत है, मल्टीप्लेक्स कह लीजिए या स्ट्रीट लाइट दिन में जलती रहती है, दिन में चल रही है आपके सामने है, और वहाँ पर आपको जहाँ पर रात को होनी चाहिए वहाँ नहीं है, है वो वोटर, दोनों ही वोट चाहिए तो आपको दोनों आपके इम्पोर्टेंट है आपके लिए, लेकिन सुविधाएं देने के नाम पर आपके लिए इम्पोर्टेंस जो है वो चेंज कर दी जाती है। तो हम इस विज़न से हमने काम किया कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि लोग खुद हम पर ट्रस्ट करके हमारा डेटा दें, रादर देन बाकी मार्केट रिसर्च में हमें जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हाँ प्लीज़ आप ये सर्वे फिल कर दीजिए, ये कर दीजिए। हमारे साथ चेंज क्या हो रहा है, लोग हमसे जुड़ चुके हैं, तो अगर हमें उनसे कुछ डेटा लेना है या ओपिनियन उनका जानना है किसी भी बात पर जी, तो वो हमें बेखौफ हमें बता देते कि हाँ इन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया, तो हमें बताने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा, यहाँ पर अगर मैंने बात बताऊँ, एक विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, कॉर्पोरेट जो हमारे साथ जुड़े उनको उनके प्रोडक्ट का फीडबैक मिल गया जी, जो पॉलिटिकल सोशल वर्कर हमारे साथ जुड़े उन्हें मुद्दे मिल गए, जेन्युइन मुद्दे जिन्हें सॉल्व करके वो वोटर का एक ट्रस्ट जीत सकते हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े उनके सोशल इश्यूज जो हैं, लोकल इश्यूज, दिनचर्या के जो भी इश्यूज हैं वो सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर जी। प्लस गृहणियों को डिस्काउंटेड रेट्स पे प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब वो डिस्काउंटेड रेट पे इसलिए हैं क्योंकि उस पर अननेसेसरी खर्चा नहीं किया जा रहा मार्केटिंग पे, बोर्ड पर, एडवर्टाइजमेंट में, ट्रैवलिंग में। उससे भी बड़ी बात कि हम उन्हीं के लोगों के बीच में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। जो हमने वहाँ पर लोग भेजे वो उन्हीं के बीच में से हैं, तो हम वहाँ पर रोजगार भी दे पा रहे हैं। मतलब जो लोग उनको कनेक्ट कर रहे हैं बीच में, जो एक तरीके से हैं उनके उन तक पहुंचने वाला, वो उन्हीं के लोगों के बीच में से चुने गए जी। कुछ लोग उनका सर्वे किया गया, उनमें देखा गया जिनमें प्रतिभा थी एक थोड़ी सी, जैसे डिजिटल इंडिया कहा गया है, लेकिन डिजिटल इंडिया रूरल में है कहाँ, दूर दूर तक हमें दिखा नहीं वहाँ पर। तो उनमें से ही लोग, उन्हीं को हमने सिखाया, अपनी ट्रेनिंग दी, रिसर्च की नॉलेज दी कि हाँ इस तरह से आप सर्वे कर सकते हैं, इस तरह से आपने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जाके मिलना है उनको। पूरा 6 महीने में हमने ट्रेन करके लोगों को भेजा और अपने लोगों पर वो कर पाए, वो विश्वास भी जता पाए, और उसके बाद उनको रोजगार भी मिला और कनेक्ट होने की उन्होंने पूरी कोशिश भी की। अच्छा सर, एक चीज़ और कि अभी जो प्लानिंग आपने बताई कि उड़ीसा में अभी कहाँ स्टेबल अभी हैं और आगे का क्या प्लानिंग है? उड़ीसा में अभी हमारा 10 करीब डिस्ट्रिक्ट हम कवर कर चुके हैं जी, 10 डिस्ट्रिक्ट में 100 करीब बच्चे हमारा फ्रीलांसर घूम रहे हैं जी। उड़ीसा हमारा अगले 6 महीने में हमारा ये टारगेट है कि उड़ीसा कवर करेंगे जी। उसके बाद हम अनदर स्टेप जो है बाकी स्टेट को हमें कवर करना है जी, तो धीरे धीरे हम बढ़ेगा। अगले 2 साल में हम कोशिश करेंगे कि और 5-7 स्टेट कवर करने का मेजर स्टेट है जी। तो ये बेसिकली और एक चीज़ है कि किसी भी चीज़ को अवेयरनेस बढ़ाना, जो गाँव में कुछ किसी भी अवेयरनेस को पहुँचाने के लिए ये एक सटीक माध्यम है। जैसे ग्राम सभा हमारा होता है जी, ग्राम सभा में शायद सरकारी हो, बेसरकारी हो, कोई भी अच्छा चीज़ बताने के लिए वहाँ से सबसे अच्छा मौका हमें मिलता है।
बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो ग्राम सभा करते हैं ना वो एक पार्टी ओरिएंटेड होता है। आजकल बीजेपी वाले बुला दी, कांग्रेस वाले बुला दी, वहाँ पे दूसरे पार्टी के लोग आते नहीं। ये एक ऐसे ग्राम सभा है यहाँ पे हर मेजोरिटी में हर टाइप के लोग आते हैं। कांग्रेस भी आता है, बीजेपी भी आता है, बीजेडी आता है, वहाँ पे सारे जो हर टाइप के सरपंच भी आते हैं, ठीक है, हमारा सोशल वर्कर भी रहते हैं वहाँ पे। जो बातें होता है कोई पॉलिटिकल नहीं होता जी, कि आपके एरिया में ये डेवलपमेंट हो रहे हो, जो बचा कुचा काम है ये भी हो जाएगा, आप सिर्फ हमें सपोर्ट करिए, हम आपके साथ साथ हैं, हम मिलके काम करेंगे, आप लोग हमें अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम मिलके काम करेंगे। छोटे से एग्जांपल दूंगा तो मेरा भी एक रिप्रेजेंटेटिव था, तो वो पिछले दो महीना पहले एक बारिश का सीजन था, एक गाँव में पानी जमा हुआ था जी। तो उन्होंने उसको कहा कि यार आप इसको, आपका जो निष्कर्ष है इतना, नेक्स्ट डिविजन इतना सारा काम करता है तो ये पानी भी आप साफ कर दीजिए। तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा बुद्धिमान निकला, उसने कहा कि मेरे पास जो स्पाइसी है अगर हर घर में एक एक पैकेट ले लेगा तो मैं ये साफ करके चले जाऊँगा। अच्छा, तो सबने ले लिया, तो जो पानी जमा हुआ था उसको साफ करके, तो गांव वाले भी खुश है, उनको तो ऐसे ही मसाला खरीदना था बिल्कुल, अगर 5 रुपया सस्ता है मिल रहा है और उस पर हमारे ये काम की सफाई के काम हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है। बिल्कुल, वो चीज होता है आजकल। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वो काफी समझदार हो चुके हैं, काफी ट्रेनिंग भी मिलता है, उनको आई कार्ड भी मिलता है जी। तो हम लोगों को फोन करके बताते हैं कि जिससे भी आप सामान ले रहे हो उसका आई कार्ड चेक करना कि लिखा होगा नेक्स्ट डिविजन, ठीक है। और कुछ कोई अगर आपको ज्यादा रेट में बेचता है तो वो कॉल करके हमें, ये नंबर आप रख लीजिए, हम धीरे धीरे अपना नंबर इसलिए सेव करवा रहे हैं कंज्यूमर के मोबाइल पे जी, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर आपके मोबाइल पे मम्मी का, पापा का, वाइफ का या बच्चे का किसी का भी नंबर आता है ना, वो पता चल जाता है, और कोई अननोन नंबर आता तो स्पैम करके लिखा हुआ आ जाता है, आजकल ट्रू कॉलर हो गया जी। तो इससे हम चाहते हैं कि हमारा नंबर जो जाए ना वहाँ पे लिखा हुआ है निष्कर्ष, तो लोग उठाएं और हमसे बात करें, वो जो विश्वास है उसको कायम रखें। तो सर एक चीज और कि स्ट्रीट लाइटें लगा दी, शौचालय बना दिया, जिस तरह से सर ने बताया वहाँ के पानी का जो निकास था उसको क्लियर कर दिया, तो इसका 500 रुपया लगा क्लियर करने में, 500 रुपया बड़ी चीज नहीं था उस गांव का, जो कि वहाँ के जो हो सकता है कि जो प्रधान था ये इलाके का विधायक था उनके लिए तो खैर ये कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, चाहिए था बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हो पाता। लेकिन इसका मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं कि भाई अब वहाँ दोबारा पानी ना भर पाए, इसके लिए अगर भरे तो किससे शिकायत करें, गांव के जो लोग हैं उनको आप जागरूक किस तरह से करते हैं कि भाई अब पानी भरे तो इसका समाधान किसके पास है, स्ट्रीट लाइटें लगी अगर ये खराब हो जाए तो अब इनका जो आगे की कार्रवाई अगर होगी तो वो आप कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम वो ग्राम सभा कराते हैं, उस ग्राम सभा में हम वहाँ पर सरपंच को और जो वहाँ सोशल वर्कर है जो हमसे जुड़ा है हम उनको आगे करते हैं कि ये अभी का जो काम हुआ है ये हम दोनों के सौजन्य से हुआ है, हम दोनों ने मिलकर किया है, नेक्स्ट सीजन ने और सोशल वर्कर ने, आगे अगर आपको कोई इशू आता है तो हम तो है ही, क्योंकि हम हर 15 दिन में आपके पास जा रहे हैं, क्योंकि वो 100 ग्राम का मसाला 15 दिन में तो खत्म हो जाएगा, कभी वहाँ से डिमांड आती है कभी हमारी तरफ से, हम खुद चले जाते हैं, प्लस सोशल वर्कर वहाँ पर एक्टिव रहता है जी। आप ये देखिए कि मैं एक पॉलिटिकल एस्पिरेंट को फोर्स कर रहा हूँ काम करने के लिए रादर देन सिर्फ प्रॉमिस करने के लिए। अभी तक वो कर क्या रहे थे कि सिर्फ प्रॉमिस कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। अब क्या कर रहा हूँ कि मैं उन्हें फोर्स कर रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका करियर बने फ्यूचर में पॉलिटिकल करियर बने तो आपको ये मुद्दे सुलझाने पड़ेंगे, आप आंसरेबल है इस जनता के। अभी तक क्या हो रहा है, मुद्दे ट्रेडिशनल मुद्दे जो एक जैसे बताया कि पार्टी विशेष के हैं, अब ये मानिए कि अगर एक एमएलए है या कैंडिडेट है वो अच्छे से जानता है कि वो कितना करप्ट है, लेकिन उसके बारे में उसके मोहल्ले की जनता क्या कहती है वो जानना उसके लिए बहुत जरूरी है बिल्कुल। अभी क्या होता है अगर उसे कोई वो लोकल सर्वे कराता है और आगे अपने लोगों को बता देता है अपने कार्यकर्ताओं के जाओ ये सर्वे कराओ, वो अपने भाई बंधुओं से वो करवा के ले आएंगे। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ किसी एजेंडे पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मसाला दे रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ आपके घर में बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, हम स्कॉलरशिप टेस्ट भी कराते हैं, उन्हें बार बार जागरूक करते हैं कि हाँ पढ़ाइए हम आपके लिए हैं, अगर आपको कोई भी, हम स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं, क्रिकेट मैच का हमने ऑर्गेनाइज कराया, हमने मल्टीपल काम किए, इन बिटवीन हमने पॉलिटिकल एजेंडा अपना पूछ लिया, इश्यूज क्या क्या है। अब यानी एमएलए को मैं गाइड कर रहा हूँ, अब उसके लिए तो हर घर से इक्वल डेटा आया, चाहे वो बीजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक्स वाई जेड किसी भी पार्टी का हो, मुद्दे सबके निकल आए। अगर यही चीज मैं बैच लगा के जाऊँ एक पार्टी विशेष का तो मुझे शायद एंटी पार्टी वाले धक्के मार के भगा दें। बिल्कुल। और अभी क्या हो रहा है, मैं नेक्स्ट विजन की तरफ जा रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राउंड पर लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, लोगों के ट्रस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट विजन के लिए काम कर रहा हूँ। हमारी विजन यही है कि हमें ऑथेंटिक वर्ड, एक ऑथेंटिक डेटा आए, उस डेटा पर हम काम करें जी। बिल्कुल। और राजन जी किस तरह से जो योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट सरकार करने के जो दावे करती है, लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल है
वहाँ तक वो चीज़ें कई बार नहीं पहुँच पाती, या पहुँच पाती हैं तो उनकी स्थिति कुछ अलग होती है। तो उन सब चीज़ों को लेकर कुछ नेक्स्ट विजन का क्या इसमें? हाँ, नेक्स्ट विजन इसमें काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, पर हर चीज़ जो है ना सरकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, हर चीज़ हम सरकारी ऊपर नहीं थोप सकते जी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम जो गांव लोगों को, जो ग्रामीण होते हैं, उनको एक जागरूकता बुलाते हैं कि सरकार ने ये आपके लिए बनाया जी, आपके गाँव में ये इतना टॉयलेट आया है, कितने ये होने वाला है, इतना साफ सुथरा रखो, ये सारी चीज़ें आप जानते हो करने के लिए, आप किससे मदद मांगते हो, अपना लोकल रिप्रेजेंटेटिव पास जाते हो जी। ये लोग जाते नहीं है, इनको हम अभी इनिशियल स्टेज में अवेयरनेस कराते हैं कि ये चीज़ है, सरकार की जो भी उनका मॉडल होता है काम करने का, वो सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं जी। और ऊपर से ये एक चीज़ मैंने देखा हूँ वहाँ के गांव पे, अगर आप छोटा सा रुमाल या कुछ भी दो, अगर किसी गांव में जाके बांटोगे ये मेडिसिन लो या कुछ भी लो ना, वो वहीं पे सोच लेते हैं ये बीजेपी के, बीजेपी की कांग्रेस है। लेकिन जब स्ट्रीट लाइट लगता है, ये कोई नहीं पूछता है कि कांग्रेस के घर के सामने लगा कि बीजेपी के घर के सामने लगा कि बीजेपी के घर के सामने। बिल्कुल, वो सब उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और जो भी मुद्दा होता है, जो भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वो निकालते हैं, उनका ग्राउंड लेवल पे जो भी काम होने के लिए जो भी उनका निकलता है, वो सारा चीज़ हम बताते हैं आप सामने गांव वालों को, ये चीज़ है आप फॉलो कीजिए जी। अवेयरनेस भी कराते हैं, कैंपेन भी करते हैं, जैसे प्लास्टिक वर्जन का एक हमारा अवेयरनेस चला था, उसमें हमने काफ़ी किया गांव-गांव जाके जी। तो हम जो हमने स्पेशली एक कॉटन बैग का बैग बनाया जी, जो स्पाइस दिए उस स्पाइस को उस बैग में डाला, उसको हम उनके घर पर पहुँचाए, लोगों के घर पर, कि उसमें लिखा हुआ कैंपेन लिखा हुआ था कि एवर प्लास्टिक करके लिखा हुआ था, सेवन टू प्लास्टिक। और ऊपर से हमारा जो मेन मुद्दा है, हम हाउस वाइफ को ये बताते हैं गांव में कि अब हम आपको ये सिखाएंगे आपको बचत कैसे करना है इस तरह की। ये हमारा एक मेन मुद्दा है कि हम गांव में जाके हर फीमेल को, हर माँ को, हर बहन को हम ये बोलते हैं कि आपको बचत कैसे करना है, नेक्स्ट विजन सिखाएगा, ठीक है। अब आपको हर महीना हम स्पाइस, मतलब अब जो घर के लोग हैं, महिलाएं हैं, वो मार्केटिंग भी सीखेंगी और किस तरह से बचत करेंगी वो भी चीज़ें सीखेंगी। सर, आजकल के जो युवा हैं वो करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ अलग करना है, अब मुझे ये करना है, मुझे इस ये चीज़ अचीव करनी है, उनके लिए और वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, ये क्या तरीका है? बहुत आसान है, हमने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की है निष्कर्ष के नाम से जी, वो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। निष्कर्ष में मल्टीपल सर्वे आते हैं, ट्रेनिंग कोर्सेज आते हैं, और उसके जरिए वो डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा सोशल पेज भी है NVRSPL करके, नेक्स्ट विजन रिसर्च सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करके जी। और उससे भी आसान है निष्कर्ष, अगर आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके हमसे जुड़ सकते हैं जी। बिल्कुल, सभी के पास फ़ोन है और वो मोबाइल के जरिए जुड़ सकते हैं। राजेंद्र जी, आप क्या सोचते हैं कि आज के युवा को क्या रास्ता अपनाना चाहिए? सोशल मीडिया पर वो एक्टिव हैं, वो चीज़ों को शेयर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, लेकिन उन्हें खुद क्या कदम उठाने चाहिए, उनको लेकर आप क्या कहें? तो उसमें कि आज की जो युवा है, तो मैं तो ये बोलूँगा जो फेक न्यूज आता है उससे वो ज़्यादा अवॉइड कर रहे, उससे दूर रहे जी। और बाकी मतलब जो न्यूज है, तो पार्टिकुलर जो सही न्यूज है उसको पढ़े, तो दूसरे की चीज़ पे ध्यान ना दे। और जो काम के लिए तो बहुत है, बहुत चीज़ है, मतलब अगर एक इंडिविजुअल चाहता है कि मैं कुछ करने के लिए, तो वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास वो एबिलिटी है, तो ये कि उनको साधन नहीं मिल पाता। और भी स्टडी करें, सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से चीज़ है, ठीक है, और उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें। अब मैं तो यही भी सोचूंगा, यही भी बोलूँगा, अगर कोई भी पर्सन इंडिविजुअल अगर किसी गाँव का है, तो उस गाँव के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, चाहे मैन पावर कंट्रीब्यूट करें, चाहे 5 रुपया कंट्रीब्यूट करें, जब भी उसको टाइम मिलता है उस गांव में जाता है, वो एक दिन का मेन बार उस गांव के लिए लगा है, और गांव का डेवलपमेंट होगा तो डेफिनेटली शहर भी होगा और देश भी होगा जी। बिल्कुल, गांव का डेवलपमेंट होगा तो देश का डेवलपमेंट भी होगा जी। बस सर, किस तरह से ये जो डेटा आपके पास आता है, ये सारी चीज़ों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि इतनी ज़रूरी जानकारी किसी, खासकर जो गाँव की, जो बाकी लोगों के पास शायद नहीं मिल पाती। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, कंपनियां हैं, जो आपसे जुड़ना भी चाहेंगी, वो चाहती हैं कि भाई ये इस तरह के डेटा का सही इस्तेमाल हो सके। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ उसको लोग और भी आपके साथ मदद कर सकें, तो कैसे, क्या तरीका उनका रहे? बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जो है, मार्केट रिसर्च की सबको ज़रूरत होती है, वो हर कोई जानना चाहता है कि उनके प्रोडक्ट का क्या फीडबैक है जी। बस एक उनके पास जरिया नहीं होता है वहाँ तक जाने का, क्योंकि जो भी मार्केट रिसर्च होती है, अब जैसे एक कंपनी का ऑनर है, उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच ली, उसने आगे रिप्रेजेंटेटिव अपने GM को दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि हाँ मुझे इस प्रोडक्ट का फीडबैक चाहिए। अब वो फीडबैक लाना चाहता है रूरल से, लेकिन वो कॉस्टिंग की वजह से नहीं ला पाता है, या वहाँ रीच नहीं है,
या वो ये समझता है कि उन लोगों की कोई से नहीं है, उनके लोगों का महत्व नहीं है, जबकि उनकी बाइंग कैपेसिटी भी है। वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं या आलस कर देते हैं, हम बता कह नहीं सकते इसमें कि उनकी क्या धारणा होती है इसमें। लेकिन नेक्स्ट विजन क्या कर रहा है, हमारा कृषि प्रधान देश है, वहाँ पर कृषि को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर या किसी भी लेवल पे हर तरह का डेटा हमारे पास मौजूद है, जो हम हर कॉर्पोरेट को दे सकते हैं, रियल टाइम डेटा दे सकते हैं। जिस तरह की ऐप हमने बनाई है उसमें ऐप में बहुत ही यूनिक फीचर्स हैं जो रियल टाइम डेटा आपको दे सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि कॉर्पोरेट्स के लिए हमारे पास खजाना भरा हुआ है, हर लोगों की राय है और रियल टाइम राय है। तो कोई भी अगर लोग अपना कोई नया प्रोडक्ट या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हाँ प्रमोट कराना चाहें या उसके बारे में फीडबैक लेना चाहें तो वो हमसे ले सकते हैं। हम ये तक उन्हें बता सकते हैं कि कौन सी ऐड किस टाइम देखी गई, कहाँ लाइट नहीं मौजूद थी। फिलहाल हम उड़ीसा के पूरे उड़ीसा में दे सकते हैं और हम ऑल इंडिया भी काम कर चुके हैं, तो हम ऑल इंडिया का डेटा भी दे सकते हैं। मतलब देश भर में जिस तरह की जो गांव से जुड़े हुए डेटा है वो मुहैया करा सकते हैं। इसके साथ में गवर्नमेंट लेवल पे जो एनिमल हस्बेंड्री डाटा है, जी जी, इसके गांव में क्या किया गया, एनिमल को पालते हैं तो पालतू पशु होते हैं उनका डाटा भी ले सकते हैं गवर्नमेंट तरफ से। जो भी सरकारी योजनाएं होता है गांव में डेवलपमेंट के लिए जी, वो वहां पे प्रॉपरली यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे भी वो डाटा ले सकते हैं लोगों से पूछ के। बहुत सारे काम है उसमें, मतलब जब विजिट कर रहे हैं तो घर पे घर के साथ जुड़े हुए हैं, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं घर से, वो देने के लिए तैयार है। लेकिन वैसा उनकी विश्वास जितना बहुत जरूरी है, विश्वास जितना बहुत जरूरी है, डाटा आपके फोन पे कॉल आता है और पता चलता है कि आप उसको जानते नहीं हो, किसी भी चीज़ नहीं बता सकते, घबराएंगे। बिल्कुल, पता है कि हाँ आपके घर पे 2 महीना पहले आया था, उस बंदे का नाम ये है, मेरे गांव के पड़ोसी गांव में बंदा रहता है, हम तो बाहर के बंदे भेज नहीं रहे, नहीं, उसी लोकेलिटी में एक बंदा जाता है जी। वो पूछता है कि आपके घर में कितने गाय हैं, कितना भैंस है, या जाके जस्टिफाई करना आते जाता है कि हाँ चेक करता है कि ये सच में है कि नहीं है, कितना बकरा है, कितना मुर्गी है। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि खुद सरकार की तरफ से जो लोग जाते हैं वहाँ डेटा लेने जाते हैं, अब डेटा उनसे कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, कितने कमरे हैं, क्या ज़रूरतें हैं, तो नहीं बताते हैं वो। लेकिन जो तरीका इन्होंने अपनाया है बहुत फ्रेंडली तरीका है कि वहाँ पहले उनसे बातचीत करना, उनकी जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनकी जो उनमें उनकी जो समाधान करना और इससे एक नया रिश्ता बनाना, उसके बाद फ़ोन करके फिर इस तरह की जानकारी लेना, उनसे मिलना, उनकी जो और भी कोई समस्याएं हैं उनको लेकर उनका समाधान करना। जैसे सर ने बताया कि स्कॉलरशिप जो आज की डेट में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को बढ़ावा देना और उसमें पूरी अपनी तरीके से कोशिश करना। तो आप लोगों में से भी अगर कोई ऐसा है जो लगता है कि भाई मैं इसमें और भी मदद कर सकता हूँ, या मुझे लगता है कि भाई इस तरह के डेटा से मैं इसमें एक नई चीज़ ले सकता हूँ, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे एक मौका है, तो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। हमारी वेबसाइट के थ्रू पेरेंट वेबसाइट है nvrspl.com या nishkarsh.co.in, आप दोनों पर जा सकते हैं। बाकी सोशल मीडिया पर भी हम सेम नाम से उपलब्ध हैं जी। बिल्कुल, तो नेक्स्ट विजन के इस मिशन में आप भी जुड़िए, और नेक्स्ट मिशन को आपने सुना कि नेक्स्ट जो विजन है उसका जो मिशन था इसको आपने पूरी तरह से समझ लिया, तो सोशल मीडिया की जो भी आप और भी किसी शख्सियत के साथ आप खुद रूबरू होना चाहते हैं और यहाँ पर देखना चाहते हैं उनके बारे में, आप नीचे उनका नाम लिखें, कॉमेंट लिखें, आपको इन नेक्स्ट विजन का जो काम है वो कैसा लग रहा है और उनसे क्या उम्मीदें हैं वो भी नीचे आप कॉमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी लोग हमारे चैनल पर आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ ही हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।